बीजेपी यह दावा कर रही है कि झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसके लिए मनरेगा का बाकायदा जो बजट में अलॉटमेंट है कि कितना पैसा मनरेगा के लिए जा रहा है, यह सब कुछ बता रही है बीजेपी। आइए आपको सुनाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, और उसके बाद मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के वर्सेस संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के, दोनों से करेंगे कठिन प्रश्न। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है, ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। मुफ्त वाली योजनाओं यानी रेवड़ी कल्चर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, और उस पर हो रही सियासत की स्पीड भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लिए रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाया और इसे टैक्स देने वाले लोगों पर बढ़ते बोझ के साथ जोड़ दिया। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है, ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्सपेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। दिलचस्प ये कि एक तरफ प्रधानमंत्री मुफ्त योजनाओं को लेकर हमला कर रहे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पीएम मोदी के राज्य गुजरात में पूरी ठसक के साथ फ्री वाली योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को, जो जो महिला चाहेगी, उसे 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाओं के बाद अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए और पलटवार किया। टैक्सपेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्सपेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्सपेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। रेवड़ी कल्चर जो होता है, दरअसल ये टैक्स पेयर्स के साथ भी, और उस जनता जो जनता जिसकी मदद करनी सबसे ज्यादा जरूरत है उसके साथ ये सबसे बड़ा छलावा होता है, क्योंकि अंततः जो भी दिया जाता है वो टैक्स पेयर के पैसों से ही दिया जाता है। इसीलिए वेलफेयर मॉडल और रेवड़ी मॉडल दोनों में अंतर है। कुछ ना कुछ मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में करती रही है, लिहाजा विवाद काफी दिलचस्प है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से लगाई गई है, और मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण दोनों को संतुलित करना होगा। कोर्ट ने कहा कि मामले पर एक सीमित आधार बनाई जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पक्षकार बना दिया है। अब इस मामले में 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा हमें नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में छप जाता है। चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले में फ्री वाली योजनाओं को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के मुताबिक बताया था। आप कह रहे हो कि आपने दिल्ली के स्कूल को बहुत अच्छा बना दिया, तो आपके विधायकों के बच्चे, आपके सांसदों के बच्चे, आपके पार्टी पदाधिकारियों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? आप कह रहे हो दिल्ली का हॉस्पिटल आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो आपके जो विधायक और सांसद के बच्चे हैं वो और उनका परिवार दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज क्यों नहीं कराता? खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। इनको मुफ्त की रेवड़ी बांट के चुनाव जीतने की हैबिट पड़ गई है। अब ये चाहते हैं वो जारी रहे, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक न लगाए। फ्री की योजनाओं पर उठ रहे सवालों से सबसे ज्यादा बौखलाहट आम आदमी पार्टी में है, जो लगातार ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई और कमेटी के गठन के विचार को गैर जरूरी बताया।
संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।